हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं मदन धाकड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के विटामिन टॉपिक के कुछ प्रश्न। प्रैक्टिस करते हैं आज के प्रश्नों की। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आप किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पनीर। अगला प्रश्न है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, और सही उत्तर हो जाएगा पोषक और औषधि प्रभाव। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए मैकुलन, बिल्कुल सही है। विटामिन बी मैकुलन सही है। विटामिन सी जेम्स लिंड, ये सही है। जेम्स लिंड ने विटामिन सी के स्रोत के बारे में बताया था कि जो खट्टे फल होते हैं उनसे विटामिन सी प्राप्त होता है। यहाँ पर विटामिन डी जो होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो कौन सा पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत यानी अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं वे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रति यूनिट कैलोरी में सही मात्रा होती है, सर्वाधिक मात्रा होती है, तो वसा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं सेब केवल पोटेशियम के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ की बात करें तो कैल्शियम अस्थि रुग्णता यानी कहीं ना कहीं यह विटामिन डी से संबंधित है, और अस्थि रुग्णता यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा होता है नियासिन यानी विटामिन बी थ्री की बात हो रही है, और उसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। कोबालामाइन यानी संघातित रक्तअल्पता, तो राइबोफ्लोविन बेरी ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो कैल्सिफेरॉल अस्थि रुग्णता, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो दोस्तों सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है मिर्च में। विटामिन सी का प्रमुख मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत है दोस्तों कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन सी सर्वाधिक होती है संतरा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है? संतरा। घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोह के।
निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का देरी धीरे जमता है? तो विटामिन के, जिसका निर्माण बड़ी आंत में ई कोलाई जीवाणु द्वारा होता है। रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन के। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? ब्लड क्लोटिंग की बात हो रही दोस्तों, विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों में प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों विटामिन के, यानी एंटी हिमोरेजिक के रूप में। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? दोस्तों तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन बी 12 बनता है और विटामिन के भी बनता है। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। वेरी गुड, बहुत सरल सरल इजी प्रश्न पूछे गए दोस्तों। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों विटामिन के प्रतिरक्त स्त्रावी ये बिल्कुल सही है, और पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। विटामिन डी, विटामिन डी का काम ये नहीं है दोस्तों यहाँ पर। विटामिन डी जो होता है वह अस्थि रुग्णता, या यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है क्रोटो मलेशिया, उसके कारण प्रॉब्लम होती है, अस्थियाँ कमज़ोर होती जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो विटामिन डी सही हो जाता है, क्योंकि ये बंध्य कारकता जो रोग है होता है या विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन डी की अल्पता से होता है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, और दोस्तों यहाँ पर विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग। दोस्तों यहाँ पर रिकेट्स भी है और ऑस्टियोपोरोसिस भी है, तो उस परिस्थिति में हम लोग दोनों को सही मानेंगे, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? दोस्तों विटामिन डी का विटामिन डी का जो नाम होता है वो कैल्सिफेरॉल होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर आपका बी। कोले कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिकों का सामान्य नाम है दोस्तों, यहाँ पर विटामिन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर किस विटामिन को अर्गो कैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है, तो वो होता है, नाम है विटामिन डी टू, विटामिन डी टू को कहा जाता है अर्गे कैल्सिफेरॉल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुनः प्रश्न आया है दोस्तों, विटामिन की बात करते हैं यहाँ पर, तो नियासिन पेलेग्रा बिल्कुल सही है, थायमिन बेरीबेरी भी सही है, विटामिन डी सूखा रोग भी सही है, विटामिन के बंध्यता, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि बंध्यता जो रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है और के रक्त का थक्का जमाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी सही उत्तर। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, यहाँ सही हो जाएगा लीवर में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? यकृत में। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो आप सभी को पता है दोस्तों यहाँ पर विटामिन ए की अधिक मात्रा जो है आपकी गाजर में रहती है, तो यहाँ पर गाजर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाता है आपका सही उत्तर आम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, यहां पर दे रखा है आपका रेटिनॉल, जीरोफ्थेल्मिया, रेटिनॉल विटामिन ए जीरोफ्थेल्मिया बिल्कुल सही है, टोकोफेरॉल बेरबेरी ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, साइनोकोब्लामाइन रक्तअल्पता अर्गो कैल्सिफेरॉल रिकेट्स बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो वैसे तो देखा जाए तो सभी अंकुरित बीज जो यहाँ पर दे रखे सभी सही हो जाएंगे, परंतु यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगा इससे,
निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? विटामिन बी वन संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं यक अंकुर तेल, विटामिन के एल्फा एल्फा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है, विटामिन बी वन संतरा, डी कॉड लिवर ऑयल, विटामिन ई गेहूं अंकुर। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और यहाँ पर विटामिन बी वन की बात कर रखी है तो विटामिन बी जो है यहाँ पर कि तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो सारे के सारे ऑप्शन जो देखा जाए वो सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ई, ई सही हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसका नाम है B12, साइनोकोबलामाइन। B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? B12 में। थायमिन है विटामिन B1, तो थायमिन कहा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, तो केवल यहाँ पर सी है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बी और सी, तो यहाँ पर केवल बी दे रखा है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होता है ADE, जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? बी और सी, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता होता है? किसी स्वप्न में याद करने की वृद्धि करता है। तो दोस्तों यहां पर आ जाएगा सही उत्तर B6। फिर से सूची आई हमारे पास में। रतौंधी की बात करें तो यहां पर दोस्तों रतौंधी हो जाएगी आपकी, रतौंधी विटामिन ए, ए कहाँ है, यानी पहला वाला सही जा रहा है। रिकेट्स की बात करें तो यहाँ पर दूसरे का भी ये तो हो नहीं सकता, ए रिकेट्स विटामिन डी, दो एक दो, पहले का चौथा नहीं, ये बिल्कुल गलत जा रहा है, ये वाला सही हो रहा है विटामिन सी। और सिस्कर्वी का बोल दें तो विटामिन सी, और बेरी बेरी का बोल दें तो विटामिन B1। तो यहाँ हमारा ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग एवं स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है? तो दोस्तों बेरी बेरी यानी B1, सूखा रोग यानी D, और स्कर्वी यानी C, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से सूची आइए, सही उत्तर चुनिए, देखते हैं क्या हो सकता है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, तो ये सामने ही है। बेरी बेरी विटामिन B1, ये भी सामने है। स्कर्वी विटामिन सी सही है, और निशांतता ये भी सही है। तो दोस्तों सभी आपस में सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, वापस से हमें चुनाव करना है। विटामिन सी की बात करें यहाँ पर तो सी स्कर्वी रोग, पहले ए का चौथा फोलिक अम्ल, रक्तअल्पता बी का तीसरा चौथा तीसरा, और विटामिन ए रतौंधी यानी सी का पहला 4-3-1, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी सही है, B3 पेलाग्रा सही है, विटामिन डी फोलिक एसिड रक्तअल्पता, ये सी वाला सही नहीं है। तो यहाँ सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी। सही उत्तर का चुनाव करना है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट से, विटामिन ई रात्रि, ये गलत हो गया यहाँ पर
तो यहाँ पर क्या पूछना है, प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित युग्मक पर विचार कीजिए, विटामिन इनकी कमी से होने वाले रोग, उपरोक्त में से कौन सा से युग्म सही है, पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो विटामिन डी सुखंडी, विटामिन सी मसूड़े से खून आना, विटामिन ए गठिया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विटामिन बी, तो यहाँ पर यहाँ से शुरुआत करते हैं और ये भी बिल्कुल सही है, और विटामिन ए की कमी से दोस्तों यहाँ पर रोग हो जाएगा आपका रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, सूची एक को सूची दो से मिलाइए, मिलाते हैं दोस्तों, आ जाओ मिलाते हैं, क्या पूछ रखा है, रेटिनॉल यानी विटामिन ए की बात कर रखा है, आँख से संबंधित है, टोकोफेरॉल की बात कर रखी है, और साइनोकोब्लामाइन घातक अल्परक्तता, पाइरिडॉक्सिन यहाँ पर उत्तर था, यहाँ पर सही देखते अपन, ए की बात करें तो ये रेटिनॉल की वजह से नेत्र सूख कर लाल हो जाता है, टोकोफेरॉल की बात करें तो बंध्यता उत्पन्न होती है, साइनोकोब्लामाइन की बात करें तो यहाँ पर घातक रक्तता आती है, और पाइरिडॉक्सिन मानसिक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अधोलिखित निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है, तो हमें पता है नियासिन B3 हो गया, राइबोफ्लेविन B2 हो गया, थायरिक्सिन एक हार्मोन से जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखते हैं सुमेलित कौन सा नहीं है, थायमिन वाला तो बेरी बेरी सही है, विटामिन डी सूखा सही है, के वाला गलत हो जाएगा यहाँ पर, ओके, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में से निकलता है, 100 ग्राम से कितना हमें ऊर्जा की कितनी प्राप्ति होती है, प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न के अनुसार दोस्तों हो जाएगा आपका 116 किलो कैलोरी, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 116 किलो कैलोरी। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो आपको सभी को पता है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा उत्तर बी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा में पाई जाती है सोयाबीन, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, कितनी बार पूछेगा यार सोयाबीन, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, अच्छा यहाँ नहीं पूछ रखा है, प्रोटीन आप बताइए दोस्तों प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो बी यानी मूंगफली, वेरी गुड बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में, एक तीर से दो शिकार, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, दोस्तों ये तो बहुत ही सरल है, आप सभी को पता होना चाहिए, बाल नाखून ये सभी केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों पढ़ते हैं हम, यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है, यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, प्रोटीन की प्रचार खाद्य पदार्थ, बिल्कुल सही है, यह उदासी से लड़ सकता है, यह भी सही है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, तो दोस्तों ये गलत है आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो दोस्तों याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूटीन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। एक गिलास पानी पीने से हमें पता है हमारे शरीर में कोई एंजाइम निकलता नहीं है जो पानी से ऊर्जा प्राप्त करे, तो शून्य ऊर्जा प्राप्त होती है।
भोजन का एक प्रमुख अंग है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम भोजन का प्रमुख अंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट, मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है, तभी तो हमें, जब हम ज़्यादा मात्रा में अन्न खाते हैं तो अन्न से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो दोस्तों वह है फास्फोरस। हमारे शरीर में जो अम्लता और क्षारीयता के बीच में जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो कौन सा यौगिक ऐसा बताइए दोस्तों जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपको पता है दोस्तों करौंदा में सर्वाधिक मात्रा होता है, करौंदा गांव में लगता है, करौंदा काला काला कलर का होता है, मीठा मीठा लगता है, ठीक है, आप सभी लोगों ने चखा होगा आशा करता हूँ, नहीं चखा है तो चख लेना। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, कैल्शियम, लोह, सोडियम उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी कितनी आवश्यकता होती है? दोस्तों यहाँ पर हमें क्लासिफाई करना है सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है, फिर किसकी आवश्यकता होती है और फिर किसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है, फिर लोह तत्व और सोडियम की सबसे कम, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा होता है आयरन, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोह का अच्छा स्रोत है? लोह का अच्छा स्रोत है, दोस्तों अभी हम टिक करके बढ़े हैं आगे और उत्तर हो जाएगा डी पालक। लोह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, लोह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि उसमें बाहुल्य है, एमाइलोज, एमाइलोज की बाहुल्यता होती है दोस्तों, एमाइलोज की बाहुल्यता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध में मिठास आ जाती है लैक्टोज के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दूध में विद्यमान सैकेराइड है, तो दोस्तों दूध में विद्यमान सैकेराइड कौन सा है? लैक्टोज शर्करा होती है, दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो ये तो आप जन्म जन्मांतर से जानते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा दोस्तों, एंजाइम भी करता है शरीर में, एंजाइम द्वारा और शरीर के बाहर बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो यहाँ पर अगर आपको उत्तर सेलेक्ट करना है तो आपको इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? बैक्टीरिया द्वारा सही कर देना चाहिए। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है? गाय के दूध का हल्के पीले रंग का कारण क्या है? तो आप बता दोगे केरोटीन, केरोटीन उपस्थित होता है जिसकी वजह से गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें निम्नलिखित की किसकी उपस्थिति होती है दोस्तों? तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का हो जाता है। गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण केरोटीन की उपस्थिति है, और केरोटीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। इस हिसाब से दोस्तों प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा लगा है आज का सेशन? बहुत ही शानदार जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर चुके हैं, आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है तो आप धीरे कर लिए, धीरे चल रहा है तो फास्ट कर लीजिए, अपना स्कोर चेक करिए, बताइए, और कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो भी बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। दूध का सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है? अभी हम कर क्या है, कैसीन की वजह से। भैंस के दूध में, वाह क्या बात है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों औसत वसा की मात्रा होती है 7.2%,
औसत वसा की जो मात्रा होती है वो होती है 7.2%। बढ़ते हैं, दूध को पचाने के लिए आवश्यक रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों पहले तो मैं ये बता दूं कि अनेक स्तनियों के जठर रस में दुग्ध प्रोटीन के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम निकलता है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है क्योंकि संभवतः शिशु में जठर रस में यह होता है किंतु वयस्क में यह नहीं होता है। वयस्क में दुग्ध प्रोटीन के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को ही दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टेज एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाता है और 6 से 15 वर्ष की आयु में मध्यतः पूर्णतः लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वैसे अगर 2 और 3 दोनों दे रखा है तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, तो उस परिस्थिति हम यहाँ पर 2 वर्ष और 3 वर्ष दोनों बात करेंगे, शुरू हो जाता है। और यहाँ पर अगर पूरी तरीके से अगर संभवतः अगर देखा जाए तो 6 से 15 वर्ष आएगा। तो दोस्तों ये तो नहीं होगा, एक सेकंड रुकिए, आप यहाँ पर आएगा लास्ट बताएंगे तो 8 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि हमें पूरी तरीके से जो है वो लुप्त करना है तो वो 8 वर्ष के बाद ही आएगा। वैसे तो 6 वर्ष से लेके 15 वर्ष के बीच में आता है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन छोटे हैं और ये 8 बड़ा है तो हम 8 मान लेते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला रेनिन है, पर यह भी एक संदिग्ध प्रश्न है। परंतु जो व्यस्क होते हैं उस परिस्थिति में जो व्यस्क होते हैं उनके शरीर में पचाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, परंतु स्पेशली अगर दूध की बात करिए तो हमें ये मेंशन करके चलना पड़ेगा, तो वो बच्चों के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, केसिन दुग्ध होता है तो यहाँ पर लिख देंगे अपन केसिन दुग्ध होता है प्रोटीन, केसिन एक प्रकार की प्रोटीन है दूध की। दुग्ध का धवल रंग केसिन की वजह से होता है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? केसिन की उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है दोस्तों? अगर मानव शरीर में धीमी वृद्धि हो रही है तो उसका एक मुख्य कारण दोस्तों प्रोटीन है। अगर प्रोटीन समय पर नहीं मिलेगा तो मानव शरीर की वृद्धि धीरे धीरे होगी। फिर हमारे पास एक बड़ी सी जोड़ी आई है, विटामिन क्या करना है इस जोड़ी का क्या करना है हमें देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ओके, विटामिन B12 की यहाँ पर बात की गई है, तो ये उसमें होता है कोबाल्ट धातु। ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात करी है तो उसमें हो जाता है लोह धातु, और क्लोरोफिल की बात की जाती है तो वहाँ हो जाती है मैग्नीशियम धातु, और पीतल की बात हो जाती है तो उसमें होता है तांबा। यानी आपका ए उत्तर जो होता है बिल्कुल सही हो जाता है। फिर हमारे पास एक जोड़ी आई है, क्लोरोफिल सुमेलित नहीं है ये बात पूछी गई है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन आयरन सही है, खाने का नमक सोडियम, कपड़े धोने का सोडा जो है वो पोटेशियम है। तो यहाँ दोस्तों हम ये देखना पड़ेगा, खाने का जो नमक है उसमें सोडियम क्लोराइड पूरा आ जाएगा, और कपड़े धोने का सोडा है जो वो सोडियम कार्बोनेट है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर हमारे पास एक जोड़ी है विटामिन बी बारह, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका लोह तत्व, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, और चेल्कोपाइराइट तांबा, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन बी1 थायमिन विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन बी12 साइनोकोबलामाइन, यानी चार तीन पाँच एक, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित है? तो यहाँ पर दोस्तों
कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बाकी सब गलत होंगे, एक सही होगा। तो नियासिन जो होता है ये तो गलत हो गया क्योंकि B3 की वजह से होता है। विटामिन सी भी गलत हो गया, B2 ये बिल्कुल सही है, विटामिन B1 ये गलत हो जाता है, यहाँ पर B सही हो जाएगा। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो है कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो गंधक जो होता है वो सूक्ष्म तत्व नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए का भी स्रोत है और विटामिन बी सी का भी स्रोत है, तो सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तो हमें यहाँ पर विटामिन सी लगाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूध। अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित होता है, त्वचा में। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं, तो यहाँ पर सभी प्रोटीन विद्यमान होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दोस्तों किसी भी प्रोटीन का निर्माण इन चारों से होता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो यहाँ पर अवरक्त किरणें जो है वो प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या होती है, दोस्तों 45 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितनी ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 70 ग्राम प्रोटीन की डेली आवश्यकता रहेगी। दोस्तों बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार्च दोस्तों एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, दोनों का वानस्पतिक उद्भव हुआ है, दोनों बहुलक है, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, गलत। आयोडीन के साथ केवल स्टार्च रंग प्रदान करता है दोस्तों, इस वजह से ये वाला कॉन्सेप्ट है ये गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है, विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन कहा जाता है, दोस्तों विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर नाम लिख रखा है तो कैल्सीफेरोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है और विटामिन ए एरिटिनॉल के अभाव के कारण वंश त्वचा शुष्क तथा शल्की पड़ जाती है, जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, विटामिन B1 के अभाव में हृदयघात हो सकता है, तो विटामिन ए बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है, दोस्तों अति पोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से, तो दोस्तों तीनों के तीनों से आपको कुपोषण हो सकता है। दोस्तों ये IAS प्री 1996 का है, तो कुपोषण की स्थिति असंतुलित पोषण अर्थात अल्प पोषण या अति पोषण के कारण हो सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो पहली वाली बात। आगे बात करते हैं, अगला जो है हमारा कॉन्सेप्ट, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। मानव शरीर कोशिका किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, ये गलत बात है।
आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनता रोग हो सकता है। यह सही है। तो एक दो और चार, एक दो चार यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत हो सकती है? तो ओमेगा थ्री वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत हो सकती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसके सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर चावल में नहीं होता है एमिनो एसिड, चावल में एमिनो एसिड नहीं होता है, और दूध होता है, सोयाबीन होता है और अंडा होता है। क्या पूछ रखा है? निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल होता है? तो ये दोस्तों यहाँ पर सही आना था नहीं, नहीं हो सकता। तो चावल में नहीं हो सकता, बाकी सभी में आपका अनिवार्य अमीनो अम्ल पाया जाता है। ये मिस्टेक है थोड़ा सा। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। शरीर की ऊष्मा का क्षय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके चपा पचई प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? दोस्तों तो यहाँ आपको पता है कि वसा से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए वो सही हो जाएगा। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या होता है? तो 80% दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुसंतृप्त वसा अम्ल। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो दोस्तों आपको पता है ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है, तो यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।